कभी लड़ाई से, कभी कैद से, कभी सियासत से, कभी हुकूमत से, कभी प्रजा से, कभी दुश्मन से, कभी लोगों से, कभी अपने आप से भाग जाना पड़ता है। यू हैव टू मेक द ग्रेट एस्केप। निचुंग का कहना था कि मुझे उसी रात तिब्बत से चले जाना चाहिए, उसी रात। बात है जब मैं बहुत छोटा सा था, पर मुझे याद है उस दिन मुझे किसी का इंतजार था। अमला ने क्या बनाया है? हमो अमला साथ साथ खाएंगे। मुझे लासा जाना है। लासा जाना है? फिर से? वो लोग आने वाले। ओ, आने वाला है। ठीक है ठीक है, फिर खाना खाते हैं। ठीक है।
आज दिन में भी ये लहसा की बात बार बार कर रहा था। चलो अमला और हमू सत्संबा खाएंगे। लो ये खाओ। खाओ हमू ये चंबा खाओ, अम्मा भी आती। मैं देखता हूँ। आई ये लोग लहसा जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। मैंने कहा आज रात यहीं रुक सकते हैं। कोई बात नहीं, आप इन्हें यहाँ बिठाइए, मैं चाय बना के। ले लो, पहले बताओ मैं कौन हूँ। सेरा लामा। मैं सेरा लामा को पता नहीं कैसे जानता था। हमू ये उनका है ना, उन्हें वापस कर दो। सामने बहुत सी एक जैसी चीजें रखी थी, पर उनमें से कुछ जानी पहचानी सी थी। ये मेरा, ये भी मेरा। जो चीजें मुझे अपनी लगी वो तेरहवें दलाई लामा की थी, और सेरा लामा उनके रीइंकार्नेशन को ढूंढते हुए हमारे गांव आए थे। मुझे 14 दलाई लामा कहा गया, कुंदुई यानी होली प्रेजेंस। तिब्बत में दलाई लामा का ट्रेडिशन कोई 700 साल पुराना है। ये टाइटल दलाई लामा यानी ओशन ऑफ विजडम 1578 में पहली बार दिया गया, जब मंगोल राजा अल्तान खान और उनकी पूरी ट्राइब बुद्धिस्ट बन गई थी। तब राजा अल्तान ने ये टाइटल थर्ड दलाई लामा सोनाम ग्यात्सो को दिया था। बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बदले में मंगोल के राजा ने तिब्बत की बॉर्डर्स की रक्षा करने का वादा किया और निभाया। तब से दलाई लामा, जो कि बुद्धा ऑफ कंपैशन या अवलोकितेश्वरा का रूप माना जाता है, तिब्बत में सबसे आदरणीय धर्मगुरु हैं।
वो दिन बहुत मुश्किल थे। अमला की बहुत याद आती थी। मुझे दलाई लामा बनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बुद्धिज्म की कहानियां मुझे अच्छी लगती थी कि कैसे बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के 1100 साल बाद इंडिया से तिब्बत आया। तिब्बत में उन दिनों बौन नाम का एक अलग धर्म था, पर बुद्धिज्म धीरे धीरे टिबेटन्स की जिंदगी में ऐसा ढल गया कि ट्राइबल्स और किसानों से लेकर टिबेटन वॉरियर्स तक सभी बुद्धिज्म को मानने लगे। धर्म की कहानियों के अलावा मुझे भूगोल, दर्शन शास्त्र, ध्यान, संस्कृत, अध्यात्म विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सिखाया गया। बहुत धीरे धीरे समझ में भी आने लगा और मैं बदलने लगा। तिब्बत, यहाँ से चीन और ये भारत। भारत एक मुश्किल परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, पर उसका असर हम पे क्या होगा उसे जरूर बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच ही जीवन का आधार होना चाहिए। हम इस दुनिया में लोगों को दुख पहुंचाने नहीं आए हैं। संवेदनशीलता, दया और प्यार बुनियादी गुण हैं जो हर इंसान में होने चाहिए। भगवान बुद्ध ने बुद्ध तथा प्राप्ति के बाद 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। बताइए वो 4 आर्य सत्य क्या है? ये दुख सत्य है। ये दुख सत्य है। इसके कारण सत्य है। इसके कारण सत्य है। ये सत्य निरोध है। ये सत्य निरोध है। ये मार्ग सत्य है। ये मार्ग सत्य है। इसलिए दुख को समझो। दुख को समझो। दुख के कारण को त्याग करो। दुख के कारण को त्याग करो। और सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य के मार्ग पर चलो। तेतरिंबा था पूछे, चीन ऐसा क्यों कहता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है कुंदन, पर मैं संक्षिप्त में बताने का कोशिश करता हूँ। 200 साल मंचू के गुलाम रहने के बाद सन 1911 की चीनी क्रांति के बाद वो आज़ाद हो गए थे। डॉक्टर सुन यत्सेन के लीडरशिप में रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित की गई थी। वो मॉडर्न चाइना का पहला सरकार था। तब से ये चीन का जिद है कि जो भी देश मंचू के गुलाम रहे उन पर चीन का अधिकार है। मंगोलिया मंचू के गुलाम रहे होंगे, पर तिब्बत तो मंचू का एक प्रोटेक्टरेट था। तिब्बत हजारों साल से आज़ाद है और चीन हमारा एक पड़ोसी देश जैसे भारत। अब माओ ज़ेदुंग तिब्बत को ज़बरदस्ती कब्जा करके चीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पर ये तो गलत है ना रिंपोछे? बिल्कुल गलत है कुंदन, पर अभी जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है और तिब्बत की गति पे कोई लीडर नहीं है, ये समय थोड़ा खतरे का है कुंदन। अमला हर महीने मुझसे मिलने आती। उनका इंतजार मुझे हमेशा रहता। अब उनके साथ मेरा सबसे छोटा भाई तेंजिन चोगल भी आने लगा था।
फिर एक दिन फाला एक बुरी खबर लेकर आए। कम्युनिस्ट चीन की 40,000 फौज पूर्वी तिब्बत पर आ चुके हैं। खबर यह भी है कि वो इस बार हासा तक आना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल हमारा खंबा वॉरियर्स उन्हें वहां पे रोके हुए हैं, लेकिन कब तक कुंदन? हमने मदद के लिए चिट्ठियां लिखी है पहले से, पर ब्रिटेन का कहना है कि भारत अब आजाद देश हो चुके हैं, इसलिए ब्रिटेन के पास यहाँ पे उनका कोई सेना नहीं है। भारत तो अभी नए नए आजाद हुए हैं, इसलिए वो हमें मदद नहीं कर सकते। अमेरिका ने अभी जवाब नहीं दिया। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि हमें जल्दी पता लग गया कि हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। खतरे की उस घड़ी में तिब्बत को एकता की जरूरत थी। कशक का मानना था कि समय आ गया है, मुझे अब दलाई लामा की गद्दी पर बैठना होगा। फाला, हर दलाई लामा को कम से कम 18 साल मिले, मैं तो अभी 15 का हूं। मैं तिब्बत को कैसे संभालूंगा? आप तैयार है कुंडल? चीन को एक संदेश देना होगा कि तिब्बत में एक लीडर है। पूरे तिब्बत को इस वक्त सिर्फ आप ही हिम्मत दे सकते हैं। पर फाला, नहीं कुंडल, अपने अंदर देखिए, आपने ये पहले भी किया है। आप फिर से वापस आए हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। फाला, सेरा लामा से मुझे पहचानने में कोई गलती हो गई हो तो? नहीं कुंडल, ऐसा नहीं हुआ। 13वें दलाई लामा ने कई संकेत छोड़े थे कि आप ही हमारा दलाई लामा है और हमें आप पर पूरा भरोसा है। संवेदनशीलता और संयम का पाठ पढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन इसका इम्तिहान लेने हमारे दरवाजे पर खड़ा था। समय बीतता गया और चीन का खतरा भी बढ़ता गया। फिर एक दिन मेरा सबसे बड़ा भाई ताक्सेर रिम्बुचे थुप्तेन नोबू मुझसे मिलने आया। चाइनीज पूरे तिब्बत को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है। खंपा और अम्तो में तो बहुत बुरा हाल है कुंडू। हर एक मॉनेस्ट्री में और अब स्कूलों में भी कम्युनिज्म सिखाया भी जाने लगा है। वो बुद्धिज्म को मिटाना चाहते हैं कुंडू। वो चाहते हैं कि आप कुंडू ये बात मान ले। 1.5 साल तक तकसर में उन्होंने मुझे बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने नहीं दिया कुंदन। माफ करना, मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे कहा
कि मैं उनकी बात मानता हूं और आपसे जाके यही कहूंगा, नहीं तो वो मुझे आने नहीं देता कुंदन। और आपको ये बात बताना बहुत जरूरी था कुंदन। चले जाइए कुंदन, आप यहां से चले जाइए। रिंपोछे जो कह रहे थे वो बहुत गंभीर था, लेकिन हर हाल में हम चीन की तरफ सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते थे। लुखांगवा, टशिला, आज से आप दोनों तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर्स हैं। कुंदन, जब तक मैं ल्हासा से बाहर हूं और उसके बाद भी, आपके पास तिब्बत के लिए डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले आप मेरा एक संदेश लेकर एक डेलीगेशन चाइना भेजिए और उनसे कहिए कि हम बात और समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी फौज ल्हासा तक नहीं आएगी। मेरे भाई के कहने पर यह तय किया गया कि कुछ समय के लिए मुझे भारत के बॉर्डर के पास यातुंग चले जाना चाहिए। दलाई लामा को हर खतरे से बचाना कश्यप का डिसीजन था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। आज हम ये ऐलान करते हैं कि हमने चीन के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है। 17 पॉइंट की इस अग्रीमेंट में हम मानते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चाइना के ऑनरेबल लीडरशिप में हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस अग्रीमेंट के मुताबिक दलाई लामा और पेंशन लामा की पोजीशंस पर ये बात हमें बाद में पता चली कि हमारी डेलीगेशन के पीकिंग पहुँचने से पहले ही चाइना ने यह अग्रीमेंट ड्राफ्ट करके रखा था। कई दिन चर्चा करने के बाद धमकी देकर हमारी डेलीगेशन से ये पेपर साइन करवाया गया। एक दो पॉइंट्स में ये लिखा था कि चीनी तिब्बती लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने देंगे और उन पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के सभी अधिकार हमसे छीन लिए गए। तिब्बती डेलीगेशन को यह मौका भी नहीं दिया गया कि वो मुझसे सलाह करे या किसी को ल्हासा गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट करे। कुंदन, हेलो, मैं कभी किसी चाइनीज ऑफिशियल से नहीं मिला, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा और क्या कहेगा, और ये यहाँ क्यों आ रहा है? हम उसे ल्हासा में क्यों नहीं मिल सकते? वे खासकर घूम के आ रहे हैं ताकि ल्हासा जाने से पहले आपसे मिल सके। मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं है, आप उसको आते ही चाय पिला दीजिएगा। कौन सा कुंदन, चीनी या तिब्बती? फला मिहाओ दलाई लामा, ताशी देले, ताशी देले। I'm General Chang Jingwu, representing Mao Zedong here in Lhasa. We are here to protect you from the imperialists. We are concerned about our people. Thujana, please have some Chinese tea. Hello. And you last the English. Long. And here's the letter from Chairman Mao Zedong welcoming you to our motherland.
अब उनकी किसी बात का कोई मतलब नहीं था क्योंकि चीनी ल्हासा तक पहुंच चुके थे। की लोग हमारे आर्मी पे पत्थर फेंकता है, इसीलिए एक दो को मानना पड़ा। अभी वो नहीं रुका तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पाएगा। जनरल चेन, कभी आपने सोचे कि वो आपसे क्यों नाराज है? आप लोग 6 महीने पहले आए, 3,000 लोग आए, आधे ही हमसे 2,000 टन अनाज मांगे, ये कहकर कि ल्हासा में तरक्की लाएंगे। क्या तरक्की लाए? सारे किसान का जमीन छीन छीन के अपनी फौज की मूवमेंट के लिए रास्ता बना दी। रोड सब के लिए है, नॉट ओनली फॉर अस। उसके बदले में तुमने फार्मर्स को दूसरा लैंड क्यों नहीं दिया? हमारे पास खेती के लिए और जमीन नहीं है। ऊपर से 3 महीने पहले 3,000 लोग और आए, फिर 2,000 टन अनाज मांगे, ये लोग अपने साथ कुछ भी नहीं लाए। ल्हासा में अपने खाने के लिए अनाज नहीं है जनरल, यहाँ तो अकाल पड़ जाएगा। जनरल, आप ल्हासा आए क्यों? टू प्रोटेक्ट यू। किससे जनरल, किससे? हमें किसी से खतरा नहीं है सिवाय चीन के। योर होलीनेस, अब लोगों ने 17-point एग्रीमेंट साइन किया, सो डोंट फॉरगेट इट। हमें मालूम है जनरल, ये साइन कैसे करवाया गया है। हम यहां वो एग्रीमेंट डिस्कस करने नहीं आए हैं। इट इज मच टू लेट फॉर दैट। दादा, एंड यस, तिब्बतन लोकल लोक ग्रुप्स बनाकर एंटी चाइनीज गाना गा रही है, वो बंद करना पड़ेगा। गाना बंद करना पड़ेगा? थोड़ी दिनों की बात, शायद सांस लेना भी। क्यों जनरल? मार जनरल, तंग छाओ नहीं, प्लीज। नुखांगवा, सेवनटीन पॉइंट अग्रीमेंट में यह भी लिखा है कि आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने को नहीं कहेंगे। If you expect us to keep our side of the promise, what about you?
I request you, please, do not disrupt the Tibetan way of life. General, अगली बार जूता बाहर उतार के आइएगा। बच्चों, तू खुश हो? हाँ। वो चेनी रूल कैसा लगा? अच्छा लगता है, पर ये नया रूल अच्छा नहीं लगता है। कौन सा रूल? जब कोई भी चाइनीज से आए ताली बजाना पड़ता है। पर चीनियों को तिब्बती लोगों की खुशी मंजूर नहीं थी। जहां जरूरत नहीं थी उन्होंने वहां भी दखलंदाजी की। अहिंसा पसंद तिब्बती लोगों ने इसका विरोध किया पर चीनियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो जनरल चिन वू से कहिए कि मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना जाना चाहता हूं माओ ज़ेडोंग से मिलने। अगर ये सड़क ना बनाते शायद इस सफर में कुछ महीने लग जाते। हमारे लोगों को फायदा जरूर हुआ है कुंदन। हमारे लोग शायद चाइना जाना ही नहीं चाहते। उनसे तो कभी पूछा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए। ये सड़कें चाइनीज आर्मी की मूवमेंट के लिए, ताकि वो तिब्बत में आज जा सके। और रोड सहूलियत है, कन्वीनियंस है, डेवलपमेंट नहीं। जब लोग ही खुश नहीं है तो कैसी डेवलपमेंट और क्या विकास। May there be nothing but peace between our people. My generals in Lhasa, I hope they have not caused you any inconvenience, Dalai Lama. My people in Lhasa hope that you'll be fair to them. Do you know anything about communism, Dalai Lama? Yes, we initiated some... It means equality. It means sameness. It means to be fair. It means to kill everything that is imperialist. If I had my way, people would not have names, only numbers. I even propose it. Lama, please have your tea. Dalai Lama, make sure that you see China. We will develop Tibet just like her. We want to show you
what progress is. You don't have too many needs, you see. Dalai Lama, don't get me wrong. My mother was also Buddhist. So I can understand you. But I strongly believe that religion is poison. It undermines the race and retards the progress of the country. Dalai Lama, Tibet and Mongolia have been poisoned. They have to be cleaned. Goodbye, Dalai Lama. Motherland will take care of you. धर्म जहर नहीं था, वो तो आधार था हमारे जीने का, अच्छे विचारों का, अहिंसा का, यही तो जिंदगी का मकसद था, मायने था। डेवलपमेंट का मतलब क्या था? किसकी डेवलपमेंट? बिल्डिंग्स, रोड्स, पर मन और विचारों का क्या? तिब्बत की हवा में आने वाले समय की झलक दिख रही थी। अहिंसा पसंद तिब्बती लोग बदल रहे थे। सादे लोग अपना घर छोड़कर पहाड़ों में खाम्पा वॉरियर्स को ज्वाइन कर रहे थे। खाम्पा ही वो अकेले लोग थे जो चीन से लगातार सालों से लड़ रहे थे। मेलम उत्सव तिब्बत में सबसे बड़ा रिलीजियस उत्सव होता है। 1959 की उस मार्च को मेलम फेस्टिवल में मेरे अध्यात्म विज्ञान के एग्जाम चल रहे थे। दलाई लामा से मिलना है, इट्स अर्जेंट। क्या बात है, आप मुझे बताइए। अस्तित्व के कई क्षेत्र होते हैं। पृथ्वी और ये पूरा ब्रह्मांड कर्ता और भरनी के नियम पर चलता है। यही परम सत्य है। यही नियम मनुष्य की वेदना का कारण है। कुछ लोग दुख में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं और कुछ नहीं, और ये भी सत्य है। अब ये बात जनरल से कहते, हम डायरेक्टली उनका मैसेज लेके आए। मैसेज जो भी आप मुझे दीजिए, मैसेज किसके लिए है? उसी को मिलेगा, बताओ अंदर जाके। हेलो, आइए। जनरल चिन वू और जनरल टैन चाहते हैं कि आप हमारे थिएटर परफॉर्मेंस देखें, चाइनीज कैंप आए। उन्होंने पूछा है कि आप कब आएंगे। मेरी तरफ से जनरल टैन और जनरल चिन से माफ़ी मांगिए, और उनसे कहिए कि जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। पर हमें कहा है डेट लेके आने के लिए। आपको कुछ और दिन इंतजार करना होगा। किसने भी आपके दुकानदार बा
No. नहीं टले मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। दस मार्च三月十日子，我们的计划是这样：达赖喇嘛的住处是在这里，诺布林格。这里有一个市小 Main Strong Bridge， 这是一个我们的共产党的军局。这里有一个太子贴的将军，大兵来了。दाबेन, दलाई लामा यहाँ एक चाइनीज परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रहा है। जब कल वो आएंगे, उनके साथ गार्ड नहीं आएंगे। गार्ड्स नहीं आएंगे? ये मुमकिन नहीं है जनरल। कुंदन जब भी बाहर निकलते हैं, उनके साथ कम से कम 20 गार्ड्स होते हैं। अच्छा, पर कल 3 गार्ड, वो भी बिना हथियार के। ऐसा क्यों जनरल? तुम थी मत वहां ये कहता जैसा घास को देकर अगर किसी ने गोली चला दी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड? अब जैसा थे तू आपको चीनी फंक्शन में नहीं जाने चाहिए। चीनियों ने आपको किडनैप करने का प्लान बना रखा है। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.